Parasuram, Telugu film industry ka kafi talented director hai. Bhale unhone apne career mein zyada film direct nahi kiya hai, par unka zyada tar film box office par raha successful. Aur aaj main aise hi Sarkaru Vaari Paata ka director Parasuram ka box office collection analysis ke bare mein batane wali hu. Aur dosto agar aap ho director Parasuram ka fan to video shuru se tak zarur dekhiyega, ek like bhi kariyega. To chaliye intro ke baad milte hain. 1. युवा था ये 2008 में आई तेलुगु ड्रामा फिल्म जहाँ पर निखिल सिद्धार्थ और अक्षा को लीड रोल में जई है. इसमें बाबू ने कुछ लोकल गुंड के हाथों से बेबी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कैसे बैंक रॉबरी में घुस जाते हैं वह इसमें दिखी है. और ये फिल्म उस वक्त 50 डेज थिएटर पर काफ़ी सक्सेसफुली रन किया था. जहाँ पर इसका बजट था 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 8 करोड़, ऐसे करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट. नंबर 2. अंजनीयुलो ये 2008 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर द मस्त महाजर रवि तेजा और साउथ का लेडी सुपरस्टार नयनतारा को लीड रोल में नजर आई है. और इसमें एक रिपोर्टर कैसे करप्ट पॉलिटिशियन और गैंगस्टर के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखी है. जब पर इसका बजट था 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 18 करोड़ और ये रहा फ्लॉप. नंबर 3. सोलो और ये 2011 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जहाँ पर नारा रोहित और निशा अग्रवाल लीड रूम में नजर आई है. जहाँ पर गौतम और वैष्णवी दोनों के बीच में मैड लाइफ से जुड़ा कर कहानी को दिखी है. और बता दोस्तों बाद में इस फिल्म को ओडिया भाषा में हाथाधारी चालू था नाम से रिमेक की गई है. जहाँ पर इसका बजट था 2 करोड़, कलेक्शन रहा 5 करोड़, ऐसा कर ये रहा एवरेज. नंबर 4. सारोचरु ये 2012 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जहाँ पर द मस्त महाजर रवि तेजा और काजल अग्रवाल को लीड रोल में नजर आई है. इसमें कार्तिक और संध्या दोनों के बीच में कहानी को दिखी है. जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, कलेक्शन रहा 56 करोड़ और ये रहा हिट. नंबर 5. श्रीरास्तु शुभमस्तु और ये 2016 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जहाँ पर आलू सीरीश और लवनिया त्रिपाठी लीड रोल में नजर आई है. और बता दोस्तों जहाँ पर इसका स्टोरी 2014 का कन्नड़ा फिल्म बहादुर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है. और जहाँ पर यह फिल्म उस वक्त 50 डेज तक थिएटर पर किया है रन. और ये फिल्म अल्लू के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फिल्म रहा. जहाँ पर इसका बजट था 8 करोड़, कलेक्शन रहा 20 करोड़, ऐसे करके ये रहा सुपरहिट. नंबर 6. गीता गोविंदम और ये 2018 में आई सेंसेशनल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जहाँ पर राउडी हीरो विजय देवराकोंडा और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को लीड रोल में नजर आई है. और इसमें कॉलेज की लेक्चरर विजय गोविंद कैसे गीता से शादी करने के लिए ऑल टाइम कॉन्विंस करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखी है. और ये फिल्म हर एक रोमांटिक फिल्म लवर की लिस्ट पर शामिल है. जब इसका बजट था 5 करोड़, और इसका कलेक्शन रहा 120 करोड़, ऐसे करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर. नंबर 7. सरकारु वाड़ी पाता और ये 2022 का अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर टॉलीवुड के प्रिय सुपरस्टार महेश बाबू और कीर्ति सुरेश को लीड रोल में नजर आएंगे. और इसमें महेश बाबू का हैंडसम लुक के साथ ही साथ उनका स्ट्रॉन्ग डायलॉग और स्टाइलिश एक्शन नजर आएंगे. और ऑलरेडी गाना ट्रेलर पे महेश बाबू और कीर्ति की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत लिया है. और बता दोस्तों जहाँ पर सरकारु वाड़ी पाता का ट्रेलर टॉलीवुड का नंबर 1 ट्रेलर बन चुके हैं. जहाँ पर इसका बजट रखा गई है 60 करोड़, और जहाँ पर इस फिल्म पे प्रिंस महेश बाबू का डबल मीनिंग वाला डायलॉग सुनने को मिलेगा. और इस बार महेश बाबू ने बॉक्स ऑफिस पर लाने वाले हैं तूफान. और बता दोस्तों जहाँ पर ये फिल्म रिलीज होगा 12 मई 2022 में, तो सबको क्या लगता है क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट सुपर हिट या फिर होगा ब्लॉक बस्टर, कॉमेंट पर बताइएगा. और आप सरकारु वाड़ी पाता के लिए कितने एक्साइटेड है. नंबर 8. पारसुराम नेक्स्ट जहाँ पर प्रिंस महेश बाबू के साथ सरकारु वाड़ी पाता की बात. डायरेक्टर परसुराम ने नागा चैतन्य के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर नागा को काफ़ी डिफरेंट एक्टर में नजर आएंगे. और बता दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस करी है 14 रील्स ने. और इसमें नागा का रोमांटिक वाला एक्शन एक्टर नजर आएंगे. दोस्तों ये रहा डायरेक्टर परसुराम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में. और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा. और इस लिस्ट पर कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट पर बताइएगा. और सके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.